मेरा नाम तौसीफ है और यूथ फॉर हेरिटेज फाउंडेशन के बिहाफ पे सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े। जैसे कि बात आज हिस्टोरिक पोएट्स ऑफ दिल्ली की होनी है, अदब की होनी है, हाउ पोएट्री हैज इन्फ्लुएंस आवर कल्चर एंड सोसाइटी, हाउ इट हैज लास्टेड फॉर सो मेनी इयर्स एंड येट द चार्म, बिकॉज यू ऑल आर हियर सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इज बिकॉज ऑफ द चार्म दैट यू हैव फॉर पोएट्री। मुझे किस्सा याद आता है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू कहीं सीढ़ियों से उतर रहे थे और उनके साथ रामधारी सिंह दिनकर थे जो कि हमारे राष्ट्र कवि हैं। अचानक उनका पैर फिसलता है और वो गिरने लगते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब, तो रामधारी सिंह दिनकर उनका पैर हाथ पकड़ लेते हैं और उनको गिरने से रोक लेते हैं। तो नेहरू जी उनसे बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर जी, आपने हमें गिरने से बचा लिया, वरना मैं तो आज गिर जाता। तो रामधारी सिंह दिनकर उनको जवाब देते हैं कि जब जब राजनीति का पैर डगमगाएगा तब तब साहित्य उसे सहारा देगा। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू हिम। यासीन अनवर इज एन इंडियन मल्टीलिंगुअल पोएट हु राइट्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ही इज द फाउंडर ऑफ पोएट्स कॉर्नर, अ ग्रुप एस्टैब्लिश्ड इन जून 2011 विद 22,000 मेंबर्स। ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द दिल्ली पोएट्री फेस्टिवल विच इज इंडियाज लार्जेस्ट पोएट्री फेस्टिवल। Yasin's work has appeared in more than 80 national and international magazines and journals, and he also has had the honor of having his verse translated to other languages like Chinese, Portuguese, Hindi, etc. He has been awarded the title of Young Poet in 2012 by the Indian Poetry Society and 100,000 Poets for Change. Apart from poetry, he exhibits his prolific love for photography and digital imaging. He also enjoys moderating poetry sessions at various festivals and gatherings. And with these words, I would like to invite him on the stage to take his session forward. So let me invite him on the stage. पहले मैं एक बार इस कोने से उस कोने देख लूँ क्योंकि I'm very nervous, ठीक है? और एक बात और क्लियर कर दूँ कि तौसीफ भाई बहुत अच्छे से जानते हैं छोटे से ज़मीन को बड़ा सा आसमान कैसे बनाना है। तो उन्होंने अभी वही किया, एक छोटे से ज़मीन को बड़ा सा आसमान बना के पेश किया आप लोगों के सामने। मैं ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे यकीन मानिए मुझे नहीं पता है मैं क्या बोलूँगा। थोड़ा बहुत मैं लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ और जो भी मैंने लिटरेचर में पढ़ा है लिटरेचर के बारे में वो बहुत डिसऑर्गेनाइज वे में पढ़ा है। जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने पिक किया और उसको पढ़ने की कोशिश की। तो What I'll do is वो पज़ल को मैं कहीं ना कहीं जोड़ के एक इमेज बनाने की आज कोशिश करूँगा। पता नहीं कितना सक्सेसफुल होता हूँ नहीं होता हूँ वो आप लोग डिसाइड करेंगे। जब बात हिस्टोरिक पोएट्स ऑफ दिल्ली की हम करते हैं तो शायद थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बता के आगे बढ़ता हूँ। जो सबसे पहला पोएट्री जो सबसे पहली पोएट्री बुक जिसको दिल्ली से रिलेट किया जाता है वो महाभारत है, ठीक है? और महाभारत में अगर हम बात करें आगे पांडवस की तो पांडवस ने 5 सिटी जो है वो बसाई थी जिसमें खांडवप्रस्थ था, सोनप्रस्थ था, पानप्रस्थ था, बाघप्रस्थ था, तीलप्रस्थ था। खांडवप्रस्थ जो था वो बाद में इंद्रप्रस्थ बना जिसको पांडव ने अपना कैपिटल बनाया जो आज भी ओल्ड दिल्ली के आसपास का एरिया है, ठीक है? और सोनप्रस्थ सोनीपत बना और पानप्रस्थ पानीपत बना, बाघप्रस्थ बागपत बना जो हरियाणा में है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग और यूपी में है, तीलप्रस्थ हरियाणा में, दैट्स फरीदाबाद में एक छोटा सा कस्बा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो राजा दिलीप का नाम आता है जिन्होंने दिल्ली पे रूल किया। राजा दिलीप एक ग्रीक ट्रैवलर के रेफरेंस में उनके नोट पे मिलता है, प्लॉटिनस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? लेकिन उनका नाम और भी कई जगह जो मिलता है वो राजा धिल्लो के नाम से मिलता है कि राजा धिल्लो ने एक जगह रूल किया था जिसका नाम था धिलिका। उस टाउन का नाम था धिलिका, उस कस्बे का नाम धिलिका था, छोटी सी आबादी थी। और ये भी पता चलता है वो धिलिका बाद में जाके दिल्ली बनी और दिल्ली बाद में जाके दिल्ली बनी उससे धिलिका से। तो चलिए अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं तो हम तोमर्स और चौहान के फेस में आ जाते हैं जहां से एक्चुअली हमें पहला रेफरेंस मिलता है पोएट्री का। तोमर के जो लास्ट तोमर डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे अनंगपाल तोमर, उन्होंने अपने नवासे को अपने बेटी के बेटे को दिल्ली की गद्दी संभालने को कहा जो पृथ्वीराज चौहान 3 थे।
पृथ्वीराज चौहान III जो है वो अजमेर से दिल्ली तक संभाल रहे थे, और पृथ्वीराज चौहान III जो थे वो अजमेर में पैदा हुए थे, और उनके बचपन के फ्रेंड थे चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई जो थे वो पोएट थे। चंद्रप्रदाई एक और चीज यहाँ पे जानने की जरूरत है कि चंद्रप्रदाई कोर्ट पोएट नहीं थे, वो फ्रेंड थे, वो बचपन के लंगूठिया यार थे पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान के जो आखिरी 5 साल दिल्ली में गुजरा है रूल करते हुए, तो चंद्रप्रदाई आखिरी 5 साल उनके साथ यहाँ पे थे।